नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द चैनल ऑफ आईबीपीएस मास्टरी। फ्रेंड्स, होप सो आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, फ्रेंड्स ये एक सेशन है जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के, जस्ट लाइक कि आज जैसा कि यू ऑल नो दैट पीयूष गोयल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज द बजट इन द लोकसभा, और आप सबको पता है कि ये एक इंटरिम बजट है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि इंटरिम बजट है या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं अंतिम बजट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड अंतिम बजट? और इंटरिम बजट है तो क्या होता क्या है इंटरिम बजट, और क्या डिफरेंस होता है इसका, और वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कि क्या इससे पहले कभी इंटरिम बजट दिया गया था क्या? सो फ्रेंड्स, ये एक 7-8 मिनट का एक वीडियो होगा। मैं आपको वो तीन मेजर जो आज अनाउंसमेंट की गई वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तीन मेजर अनाउंसमेंट हुए इंटरिम बजट में। वो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड इफ यू एंजॉइंग द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट क्या होता है? यू ऑल नो दैट बजट कुछ नहीं होता है, लाइक कि पूरे ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं, जैसा 2018 और 19 में गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आएंगे और गवर्नमेंट्स पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, वो बजट को वो बताते हैं। मीन्स वी कैन से दैट ओवरऑल एक्सपांसेस को जो गवर्नमेंट बताती है कि वो किस तरीके से खर्च करेगी, लाइक किस योजना में कितने पैसे दिए जाएंगे, किसानों को कितना बेनिफिट होगा, दिस ऑल आर डिपेंड्स अपॉन देयर टाइप्स ऑफ बजट विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रपोज इन द लोकसभा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बजट के बारे में सबको पता चल गया होगा बजट क्या होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बजट में क्या होता है, लुक वेरी केयरफुली, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते स्टेट से। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से पैसे लेती है और उन पैसों को इकट्ठा करके फिर स्टेट्स को वापस करती है। आप एक बार फिर से कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, ये रही सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स से पैसा लेती है और फिर स्टेट्स को वापस करती है। स्टेट्स को वापस करने का मतलब क्या हुआ कि एज़ वी ऑल नो दैट कि वी आर इन इंडिया, और इंडिया में वैरायटी ऑफ स्टेट्स है, लाइक फ्रॉम बिहार टू महाराष्ट्र। सो सारे स्टेट्स यहाँ पे पैसे जमा करेंगे और डिपेंड अपॉन दैट किस स्टेट्स को स्पेशल स्टेट की दर्जा मिली हुई है। स्पेशल स्टेट्स क्या होते हैं? वैसे स्टेट्स जहाँ पे स्पेशल पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, लाइक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है या फिर J&K हैं, जहाँ पे स्पेशल पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि उन तक धूप छाँव या फिर फार्मर वगैरह उनकी खेती अच्छे से नहीं होती, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट थिंग्स, तो वो पैसे गवर्नमेंट उनको देती है। दूसरा रीज़न कि नई जो स्कीम्स आई, लाइक हमें पता है जनधन योजना या फिर प्रधानमंत्री योजना, जो मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल मिशन, ये सारे जो चीज़ें थे, ये सारी योजनाओं में पैसे खर्च किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट सो होप सो क्लियर होगा। और अब बात आते हैं फुल बजट और इंटरिम बजट क्या होता है, और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, इट इज़ इंटरिम और अंतिम बजट, बहुत हमारा कन्फ्यूज़न होगा, हो सकता होगा कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा फ्रेंड्स कि बीजेपी की ये 2019 में ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए ये उनका लास्ट साल है ये, इसलिए इंटरिम ना होके अंतिम बजट होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है इंटरिम और अंतिम बजट में। देखिए फुल बजट क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, लेट सपोज टेक कोई फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2017 to 2018, तो ये 2017-18 के पूरे साल, मीन्स फ्रॉम 1st अप्रैल, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, लाइक एग्जांपल लिए हमने 2017-18, तो फ्रॉम 1st अप्रैल 2017 से लेके 31st मार्च 2018 तक ये सारी चीज़ें वैलिड रहती है। मीन्स टोटल वी कैन से दैट कि वन फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर बजट प्रपोज किया जाए तो उसे हम बोलते हैं फुल बजट, जो पिछले 4 सालों से प्रपोज हो रहा है, लाइक 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 में प्रपोज हुआ था। तो ये क्या था, पूरे वन फाइनेंशियल ईयर का बजट था। इसमें जो भी स्कीम्स आती हैं वो सारे स्कीम्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पैसे मिलते स्टेट से और उन सारे स्कीम्स में उस तरह से वो खर्च करते हैं। नाउ लुक केयरफुली इंटरिम बजट क्या होता है, लाइक यहाँ पे देखिए, ये अंतिम और इंटरिम में क्या होता है, आपको दो चीज़ों में बहुत डिफरेंस समझना है कि इंटरिम बजट और वोट ऑफ अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत मेजर डिफरेंस है। तो देखिए इंटरिम बजट क्या होता है, लाइक अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट को पता है कि फरवरी है, इलेक्शंस होने वाले हैं मई जून में, मींस ऑब्वियस ही बात है जून में नई गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे जो बजट है वो पूरे साल के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई न्यू स्कीम्स बीजेपी ने आज लॉन्च किया, और इसमें दूसरा चीज़ क्या होता है कि इंटरिम बजट क्यों ऐसा दिया जाता है, इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न की जो अपोजिशन पार्टी होती है उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी या फिर जो भी रूलिंग पार्टी है वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल पैकेजेस देंगी, और वो पैकेजेस के कारण वो लोगों को वोट को अट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई भी गवर्नमेंट का लास्ट ईयर होता है उसका रूलिंग का, तो उसे फुल बजट पेश करने नहीं दिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी भी गवर्नमेंट का लास्ट ईयर होता है तो उसे फुल बजट पेश करने नहीं दिया जाता है, उसे दो चीज़ें करने दिया जाता है, या तो वो वोट ऑफ अकाउंट पेश करे या फिर इंटरिम बजट पेश करे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा क्यों फुल बजट लास्ट ईयर में पेश नहीं कर सकते हैं। नाउ मेजर इश्यूज आते हैं कि इंटरिम बजट क्या होता है। देखिए, अब आप जब भी बजट पेश करोगे, जब आपका ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो आप नई स्कीम्स लाओगे जो आपने पिछले चार साल में लाए उसके ऊपर नई स्कीम्स लाओगे, या फिर जो स्कीम्स लास्ट फोर ईयर्स के हैं उन्हें आप कंटिन्यू रखोगे। क्लियर है बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ें होंगी, या तो आप नई स्कीम्स कुछ लाओगे, या फिर जो पिछले साल की स्कीम्स हैं उन्हें आप कंटिन्यू रखोगे, फोर ईयर की स्कीम्स को, या फिर जितना आपका टेन्योर है कंटिन्यू रखोगे। देखिए, जब आप इस स्कीम को कंटिन्यू रखते हो तो यू ऑल नो दैट कि हमें हर साल उसके लिए प्रपोज पैसे मिलते हैं, लाइक 3,500 करोड़ फॉर वन ईयर। तो ये पैसे के लिए आप डिमांड कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा डिमांड करती है, एक बिल पास करती है लोकसभा में जिसपे सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी मुहर लगती है, और फिर बजट पास होता है। तो वो पैसे की अगर डिमांड कर रहे हैं, किस लिए डिमांड कर रहे हैं, जो उनकी पुरानी पॉलिसीज है उसको चलाने के लिए। अगर जो रूलिंग पार्टी है वो पैसे की डिमांड कर रही है तो उसे हम बोलते हैं वोट ऑफ अकाउंट, वो बजट नहीं होता है। वेरी केयरफुली बात को ध्यान से समझिएगा। अगर पुरानी स्कीम्स चलते आ रही है और उसे चलाने के लिए, मीन्स कोई चेंजेस नहीं करना है और उसी को बस चलाते रहना है, उसके लिए अगर सरकार एक्सपेंसेस मांग रही है, पार्टी अगर एक्सपेंसेस मांग रही है, तो उसे हम बोलते हैं वोट ऑफ अकाउंट। नाउ इंटरिम बजट क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऐड करना चाहती है, अगर गवर्नमेंट कुछ नई स्कीम्स को ऐड करना चाहती है, तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आपको जो है, जो पैसे आपको गवर्नमेंट, जो अदर स्टेट की गवर्नमेंट है वो नहीं देगी, यहाँ पे आपको एक मिनिमम एक्सपांसेस का एक्सप्लेनेशन देना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आपने जो मिनिमम एक्सपांस खर्च किए उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, क्योंकि ये जो बजट होता है वो फुल टाइम के लिए नहीं होता, ये बजट 3-4 महीने के लिए होता है। ऑलवेज रिमेंबर, दो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। जो वोट ऑफ अकाउंट होता है, वोट ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पुरानी पॉलिसीज़ को, ओल्ड पॉलिसीज़ को कैरी करती है और उन्हें बस चलाने के लिए पैसे मांगती है, फंड चाहिए उसे, उसके लिए जो पैसे मिलता है उसे हम बोलते हैं वोट ऑफ अकाउंट। और इंटरिम बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट को, जो नई गवर्नमेंट है, अगर वो इंटरिम बजट पेश करना चाहती है तो उसे अपने पूरे एक्सपांसेस का खर्च देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर CJI को, सबको खर्च देना पड़ता है एक्सपांसेस का, क्यों कहाँ कहाँ खर्च करेगी। क्लियर है? और सबसे मेजर बात क्या है, देखिए इंटरिम बजट में क्या होता है कि जो सरकार चुनी गई होती है चुनावी साल के लिए, जो साथ ये हमारा इलेक्शन ईयर है तो ये चुनावी साल के लिए जो पेश करती हैं, तो वो जो बजट होता है वो पूरे साल का ना होके कुछ महीनों का होता है। देखिए, वोट ऑफ अकाउंट और इंटरिम बजट दोनों ही शॉर्ट टर्म बजट होते हैं, बट वोट ऑफ अकाउंट में आपको कोई एक्सपांसिस का खर्च का एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है, बट इंटरिम बजट में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आप कहाँ खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, क्या रेवेन्यू आएगा, सब कुछ आपको देना होगा। मीन्स जस्ट लाइक एक बैलेंस शीट आपको देनी होगी कि आपके पास 3 महीने में इतने पैसे आएंगे और आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो। और ये जो बजट होता है कुछ महीनों के लिए होता है, मीन्स अगर सरकार बनी तो ये बजट कंटिन्यू रहेगी, और अगर सरकार नहीं बनी तो जो भी न्यू गवर्नमेंट बनेगी वो चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको अभी तक मैंने वोट ऑफ अकाउंट्स और इंटरिम बजट समझा दिया। लाइक इफ़ यू गो बैक 2019 और 2014, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने इंटरिम बजट पेश नहीं किया था, कांग्रेस ने वोट ऑफ अकाउंट पेश किया था। बहुत ध्यान से देखिए, कांग्रेस ने वोट ऑफ अकाउंट पेश किया था क्योंकि उनकी जो पुरानी जो पॉलिसीज थी उसी को बस चालू करने के लिए उनको अपने एक्सपांसिस के एक्सप्लेनेशन नहीं देने थे, इसलिए उन्होंने 2-3 महीनों के लिए कोई ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, कोई ज़्यादा लुभावना मत जो कोई ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए जो पुराने पॉलिसीज थे उसी को बस उन्होंने कैरी किया था। अब बात करते हैं इंटरिम बजट की हिस्ट्री क्या है दोस्तों।
तो देखिए इसका हिस्ट्री कभी भी आप ध्यान रखिए, इंटरिम बजट का कहीं पे भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई प्रावधान नहीं है, मीन्स कोई उसका गिवन नहीं है कि इंटरिम बजट किसको बोलते हैं। इंडिया के जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखन चेट्टी, ऑलवेज रिमेंबर आर के शनमुखन चेट्टी। तो इनकी स्टोरी क्या हुई थी, आर के शनमुखन चेट्टी ने क्या किया था कि 26 नवंबर 1947 को एक बजट पेश किया था। सिंस ये 26 नवंबर को बजट था, इन्हें पता था कि मार्च अप्रैल में एक बजट पेश किया जाएगा जो फुल फाइनेंशियल ईयर का होगा, तो इन्होंने एक छोटा सा बजट पेश कर दिया था और 95 डेज का वो बजट था। फिर क्या हुआ, जब बाकी लोगों ने बजट पेश किया मार्च अप्रैल में, लुक वेरी केयरफुली, जब मार्च अप्रैल में बजट पेश किया गया 1948 अप्रैल में जब बजट पेश किया गया, तो उस समय आर के शनमुखन चेट्टी ने ये बोला था कि जो बजट मैंने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था वो फुल बजट था ही नहीं, वो एक इंटरिम बजट था, मीन्स वो एक शॉर्ट टर्म बजट था जिसमें मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस का खर्च किया हुआ था और अब मैं नए फाइनेंशियल ईयर के लिए फिर से एक फुल बजट पेश करूँगा। तो यहाँ से कंसेप्ट आई थी इंटरिम बजट की, इसका कोई भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर पेश करना चाहे तो इंटरिम बजट पेश कर सकती है अपने फाइनेंशियल इलेक्शन ईयर में, या फिर वोट ऑफ अकाउंट पेश कर सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब क्वेश्चन आती है क्या इससे पहले कभी इंटरिम बजट पेश किया गया था, तो जी हाँ, इससे पहले दोस्तों दो बार इंटरिम बजट पेश की गई थी, इससे पहले दो बार इंटरिम बजट पेश हुई थी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। वो दो बार जो इंटरिम बजट पेश हुई थी, पहली बार इंटरिम बजट पेश हुई थी 1962-63 में, जिस समय मोरारजी देसाई ने इंटरिम बजट पेश किया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपने प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरी इंटरिम बजट यशवंत सिन्हा ने पेश किया था 1992-93 में, जब गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी के साथ जूझ रही थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उस समय चंद्रशेखर जब पीएम थे, उस समय यशवंत सिन्हा ने इंटरिम बजट पेश किया था। तो ये याद रखिएगा, अभी तक बस अपने हिस्ट्री में तीन ही बार इंटरिम बजट पेश किया गया, फर्स्ट मोरारजी देसाई ने, सेकेंड यशवंत सिन्हा ने, और थर्ड बजट पेश किया पीयूष गोयल ने। अब देखिए 2018-19 की जो इंटरिम बजट थी इसके स्पेशल अट्रैक्शंस क्या थे, तो देखिए 2018-19 के इंटरिम बजट में तीन मेजर स्पेशल अट्रैक्शंस थे। पहला मेजर अट्रैक्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ऑलवेज रिमेंबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। दूसरा है कामधेनु योजना, इसके ऊपर हम बिल्कुल जैसा ही बजट ख़त्म होगा एक हम सेशन रखेंगे, कामधेनु योजना है दूसरा। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना बहुत ये इम्पॉर्टेंट है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये तीन है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो की गई है वो है कि जो ग्रेविचुटी होती है उसे 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। मैं आपको एक छोटा सा बस 2-4 मिनट का एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स है। जो पहला योजना है जिसे हम बोलेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ऑलवेज रिमेंबर ये किसान सम्मान योजना के तहत क्या किया गया है कि जो भी किसान है, ये स्पेशल आपको नाम से ही लग रहा है किसान सम्मान योजना, तो जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। वैसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 2 हेक्टेयर ज़मीन इज़ नियरली अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5 एकड़ ज़मीन हम बोलते हैं, 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उन्हें हर साल 6,000 रुपीज़ पर एकड़ अकाउंट में दिया जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। बीच में जैसा आंध्र प्रदेश की सरकार ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया था, फिर झारखंड ने उसे अपनाया था, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है 6,000 पर एकड़। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये योजना के लिए गवर्नमेंट ने आज बोला कि 1 दिसंबर 2018 से ये लागू हो जाएगी, और इसके तहत नियर अबाउट
12 करोड़ किसानों को हेल्प होगी, 12 करोड़ किसानों को मदद होगी। और इमीजिएट तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि हर किसान के अकाउंट में 2000 रुपये अभी ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनके अकाउंट नंबर लेके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि बेनिफिट है यहाँ पे। और दूसरा इसमें चेंजेस क्या है, जो किसान क्रेडिट कार्ड था, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर 500 पर कार्ड आपको मंथली दिया जाएगा। देखिए कितने बेनिफिट्स हैं किसानों के लिए। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि स्वदेशी अपनाने के लिए हमारे किसानों के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, इसलिए फार्मर्स के लिए एक रिवोल्यूशन लाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। और दूसरा जो था कामधेनु योजना, जैसा कि आपको पता है धेनु हम गाय को बोलते हैं, तो कामधेनु योजना जो है ये एक स्पेशल अट्रैक्शन है जस्ट लाइक डेयरी फार्म के लिए, कामधेनु योजना फॉर डेयरी के लिए, जिसमें लगभग 750 करोड़ का बजट पास किया गया है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा अट्रैक्शन क्या था, जो मनरेगा था, मनरेगा जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार कैरी रखा है। मनरेगा कैरी रखने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको मैं मनरेगा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। मनरेगा जो था, जिसे 2014 में पहली बार लाया गया था, यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था, जिस समय उसकी बजट थी 36,000 करोड़, और लास्ट ईयर मनरेगा की बजट थी 2017-18 में 55,000 करोड़। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे 2017-18-19 के लिए उसे बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और एक इम्पॉर्टेंट जो ग्रेविचुटी की बात हम कर रहे थे, ग्रेविचुटी क्या होता है, लाइक आप या मैं जॉब करते, अगर हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं फॉर 5 ईयर, मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक सिंगल कंपनी में, तो वो कंपनी में हमने अपना एक 5 साल का समय दिया। बेसिकली अगर हम किसी कंपनी में 5 साल का समय देते हैं, तो उस विश्वास के लिए जो कंपनी हमें पे करती, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविचुटी, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करते, जो उन्हें 5 साल से ज़्यादा अगर वो वर्क करते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट जस्ट लाइक उनके ट्रस्ट के लिए, उनके बिलीफ के लिए, उनके भरोसे के लिए, उनकी मेहनत के लिए एक स्पेशल पैसा देती थी, जो पहले 10 लाख रुपये मिलता था, ये रिटायरमेंट के टाइम मिलता था। अब ये 10 लाख रुपये ना होके अब ये 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसे आप बीच में भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेविचुटी बीच में निकालते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने डिस्कस किया इंटरिम बजट क्या होता है, बजट कैसे लाया गया। इफ़ यू एंजॉइंग दिस वीडियो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज़ शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स। होप सो आपके कन्फ्यूजन थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड लक ऑल ऑफ यू, विल बैक वेरी सून विद द फुल डिटेल, टेक केयर फ्रेंड्स।